पिछले लेक्चर में हम पढ़ लिए थे सॉल्यूशन के बारे में, बाइनरी, टर्नरी, पॉलिनरी और सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर बनता है, ठीक ना। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन में सॉल्यूट के सांद्रण को व्यक्त करने की इकाई, ठीक ना। इसको व्यक्त करने की इकाई दो प्रकार की है, ठीक ना। एक है फिजिकल यूनिट यानी भौतिक इकाई, दूसरा है केमिकल यूनिट यानी रासायनिक इकाई, ठीक। अब हम देखेंगे फिजिकल यूनिट यानी भौतिक इकाई। भौतिक इकाई का फर्स्ट है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में कैसे व्यक्त करेंगे, तो ग्राम पर लीटर का परिभाषा है एक लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्रामों की संख्या ग्राम पर लीटर कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ये है सॉल्यूशन है ये, ठीक, ये सॉल्यूशन है। अब 20 लीटर है सॉल्यूशन, मतलब कोई भी चीज़ पानी या कुछ भी हो उसमें 100 ग्राम क्या सॉल्यूट, मतलब चीनी उनी कुछ मिला दिए, ठीक। तो इसको देखिए, चूंकि 20 लीटर सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूट घुला है, तो इसलिए एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो 20×5 105 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो अपना एक क्वेश्चन देखते हैं, ये कहता है 50 ग्राम सॉल्यूशन में 200 ग्राम सॉल्यूट घुला है हुआ है तो सांद्रण ग्राम लीटर में ज्ञात करें, ठीक है। तो अपना क्या हो, इसको कैसे बनाएंगे, ऊपर देख सकते हैं, बनाएंगे इसे चूके 50 लीटर सॉल्यूशन सन में 200 ग्राम सॉल्यूट घुला है, ठीक ना। इसीलिए एक लीटर सॉल्यूशन में तो कितना हो जाएगा, 200/50। तो इसको काटेंगे, 50 × 200, तो अपना आंसर 4 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक। यही अपना लोग का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम 100 लीटर सॉल्यूशन में 50 ग्राम सॉल्यूट घुला है, ठीक, तो सांद्रण ग्राम पर लीटर में ज्ञात करें। तो जैसे हम ऊपर वाला क्वेश्चन बनाया है वैसे ही ये नीचे वाला भी है, तो बन जाएगा 100 लीटर सॉल्यूशन में लिखिएगा कितना, 50 ग्राम सॉल्यूट घुला है, इसलिए एक में 50/100 हो जाएगा, तो 0.5 ग्राम पर लीटर आंसर अपना लोग का ये हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, सी ऑल।